वर्ल्ड कप 2023 से वेस्टइंडीज की टीम बाहर हो गई है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने उन कारणों को बताया जिसकी वजह से वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई। बेहतरीन और धाकड़ बल्लेबाजों के चलते वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप में अपनी जगह नहीं बना पाई। वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। टीम की हार के बाद कप्तान साई होप ने प्रतिक्रिया दी। स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को विश्व कप क्वालिफायर 2023 के सुपर सिक्स मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम विश्व कप की दौड़ से बाहर हो गई। इस बार वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेगी। वेस्टइंडीज की हार पर कप्तान साई होप ने प्रतिक्रिया दी। होप ने खिलाड़ियों के रवैये और उनकी तैयारी पर सवाल उठाए। 2 बार की विजेता वेस्टइंडीज 48 साल में पहली बार 50 ओवर के विश्व कप का हिस्सा नहीं होगी, जिसकी शुरुआत 1975 से हुई थी। होप ने वेस्टइंडीज के बाहर होने के बाद कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं सिर्फ एक चीज़ पर उंगली नहीं उठा सकता। हमने निश्चित रूप से टूर्नामेंट में खुद को निराश किया। यह वास्तव में रवैये की बात है। हमने हर बार अपना 100% नहीं दिया। हमने ऐसा सिर्फ टुकड़ों में किया। फील्डिंग के दौरान कई कैच छूटे, मिस फील्डिंग हुई, लेकिन यह खेल का हिस्सा होता है। होप ने कहा, यह नींव से शुरुआत होता है। हमारी अपनी सरजमी पर तैयारियां बेहतर होनी चाहिए थी। हम बिना तैयारी के यहां आकर अच्छी टीम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सुबह उठकर यह टीम अचानक अच्छी हो जाएगी। अपने टूर्नामेंट में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 132 रन की पारी खेली थी। उन्होंने कहा, हमें निश्चित रूप से अपनी पारी शुरू करने के बारे में देखने की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि यह एक चुनौतीपूर्ण होगा। टॉस हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम शुरू में इससे निपटने का तरीका ढूंढने की ज़रूरत होती है। बता दें कि वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए। इसके जवाब में स्कॉटलैंड ने 43.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान के साथ लक्ष्य हासिल कर लिया। और इसी के साथ वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज टीम का खेलने का सपना ध्वस्त हो गया। दोस्तों, आपके हिसाब से वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप में खेलनी चाहिए थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।